फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि वर्लपूल इन्वर्टर फ्रिज में ईवन एरर को कैसे रिपेयर किया जाता है। इसको रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमें इसका फ्रीजर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स ओपन कर लेना होगा। इसके बाद इसमें जितनी भी आप कॉइल पर देख सकते हैं आइसिंग हुई है, हमें इस आइस को मेल्ट कर लेना होगा ताकि इसका सेंसर। इसको डिफ्रॉस्ट करने के लिए हमने हेयर ड्रायर का यूज़ किया है। आप भी हेयर ड्रायर की मदद से इसको ईजिली डिफ्रॉस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, डिफ्रॉस्ट करने के बाद हमें अब इस सेंसर को रिप्लेस करना होगा, जो अभी हम आपको बताएंगे। तो हमने एक न्यू सेंसर परचेज कर लिया है। फ्रेंड्स, अब हमें ये सेंसर रिप्लेस करना होगा, बट इस सेंसर रिप्लेस करने से पहले हम इसकी रीडिंग्स चेक करेंगे। इस सेंसर को हम हेयर ड्रायर के अगर रख के इसको हीट करके इसमें देखेंगे रीडिंग में डिफरेंस आता है। जो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, जैसे ये रीडिंग आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रही है। 5 से शुरू हुई थी, 4.5 ये ईजिली कम हो जा रही है हीट करने पे। दैट मीन्स सेंसर ये ओके है। अब हम इस सेंसर को रिप्लेस कर देंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि E1 का एरर इसमें से हटा है कि नहीं हटा है, वो हम चेक करेंगे। फाइनली फ्रेंड्स, हमने सेंसर चेंज कर दिया। अब हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बंद कर रहे हैं। तो अब हम बंद करके इसकी डिस्प्ले आपको बताएंगे कि एरर हट गया है। आप देख सकते हैं 7 डिग्री इसका टेम्परेचर शो कर रहा है।